तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपके यूट्यूब चैनल M97 स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है और इसको देखते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन का डेट जो आगे बढ़ा दिया गया है और हम चाहते हैं घर में रहें और सुरक्षित रहें। ये सब देखते हुए हम आप सभी के लिए घर बैठे IIT पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का जो VVIP क्वेश्चन है इस चैनल के माध्यम से डेली प्रोवाइड करते आ रहे हैं। उसके लिए आपको हर वीडियो को अंत तक बने रहना होगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें दोस्तों कि अगर अब तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे IIT पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल से संबंधित जितने सारे न्यू वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रकृति में जल चक्र होने का कारण है, प्राकृतिक में जल चक्र होने का कारण क्या है? जल की भाप का संघनन का कारण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जल की भाप का संघनन। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सबसे हल्की अधातु है? निम्नलिखित में पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन से चलना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, इनमें से हल्की अधातु कौन है? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है? NI। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, NI। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, रदरफोर्ड प्रयोग का संबंध किससे है? रदरफोर्ड का प्रयोग किससे है? तो यह किससे है दोस्तों, यह है नाभिक से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नाभिक। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न, निम्न में डिटर्जेंट है, निम्न में डिटर्जेंट क्या है? सोडियम लॉरिल सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सोडियम लॉरिल सल्फेट, यह डिटर्जेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न, कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है? कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नाइट्रोजन। सातवां नंबर प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे होती है प्राप्त? नाभिकीय ऊर्जा, न्यूट्रॉन के टूटने से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, न्यूट्रॉन के टूटने से। चलिए आगे देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न, कौन सी गैस को मार्स गैस कहा जाता है? कौन सी गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मेथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मेथेन। नौवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है, कैसा व्यवहार है? यानी कि नाइट्रोजन को लिटमस के प्रति कैसा व्यवहार होता है? तो यह जो व्यवहार होता है उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उदासीन। चलिए आगे देख लेते हैं। दसवां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सबसे भारी है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे भारी है? तो इनमें से जो सबसे भारी है वह है सल्फर डाइऑक्साइड का एक मॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड का एक मॉल। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ग्यारह नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? वाट्स, वाट सेकेंड, वाट बाई सेकेंड, न्यूटन मीटर, कैलोरी, इनमें से जो है ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है? तो इनमें से जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, न्यूटन मीटर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, न्यूटन मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। बारह नंबर प्रश्न, चाल है, चाल कैसी राशि है? जो चाल है वह अदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अदिश राशि। चलिए आगे देख लेते हैं। तेरह नंबर प्रश्न, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, दर्पण की फोकस दूरी है। तो दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका दर्पण का फोकस दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चौदह नंबर प्रश्न, किसी धातु के एक टुकड़े का पानी में धार 25 ग्राम तथा 0.80 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में 26 ग्राम है, धातु के टुकड़े का वास्तविक भार। यहाँ दोस्तों धार नहीं होगा, यहाँ पे भार होगा। तो कितना ग्राम होगा दोस्तों? यह होगा 30 ग्राम। कितना ग्राम? 30 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंद्रह नंबर प्रश्न है, हवा कांच का अपवर्तनांक 1.5 पर कांच में प्रकाश की गति होगी, कितना से कितना हो जाएगा दोस्तों कांच में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड।
16वां प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार W है, पृथ्वी के केंद्र से आधे दूरी पर क्या यह होगा, यानी कि यह क्या होगा। तो यह क्या होगा दोस्तों, यह होगा W/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा W/2। 17वां प्रश्न है, हवा में ध्वनि तरंग है, कैसी तरंग है, हवा में जो ध्वनि तरंग है कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग। 18वां प्रश्न है दोस्तों, एक 20 ओम के प्रतिरोधक तार को खींचकर उसके प्राथमिक लंबाई को दुगना कर दिया जाए, इसका प्रतिरोधक होगा कितना ओम प्रतिरोधक हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 80 ओम प्रतिरोधक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 80 ओम। चलिए आगे देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई h है, यदि एक समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहेगा तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, h/2 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा h/2। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, उसका प्रतीक कम 4 गुना बड़ा बने और आभासी हो, कितना दूरी पर रखा जाएगा, यह रखा जाएगा 15 सेंटीमीटर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 8। चलिए आगे देख लेते हैं। 22वां प्रश्न, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, उत्पन्न प्रतिबिंब होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वह प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनेगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है, जब दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है, जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होता है, चालकों के प्रतिरोध है, ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल आपको बनाना पड़ेगा, इसे इसका राइट हम आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 ओम से 5 ओम, सॉरी 20 ओम 5 ओम दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, किसी शांत जल में एक पत्थर गिरा दिया जाता है, इस तरह उत्पन्न तरंग जल के तल पर क्या होगी, दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ये जल नहीं होगा जल होगा, वैसे इसका हम आपको राइट आंसर बता देते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। चलिए आगे देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। चलिए आगे देख लेते हैं। 26वां प्रश्न, जूल नियतांक का मान होता है कैलोरी बटा जूल, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8.36 जूल प्रति कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, 240 तरंगें 16 सेकेंड में पूरी होती है, तरंग की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज है, 15 हर्ट्ज है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है, वायु में प्रकाश का वेग 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है, जब प्रकाश का 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गति करेगा तो उसका वेग होगा, उसका वेग क्या होगा, 2×10^8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा इतना वेग। चलिए आगे देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। 30वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो, प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है, आवृत्ति नहीं बदलती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।